तो चलो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम करने वाले हैं जेई एडवांस के सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं इरोडोव और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप मेरे लेक्चर के साथ बने रहो और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेक्चर और अपना डाउट लेते हैं और चले जाते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है यार, कि हाँ हमारे बच्चे, हमारा काम अच्छा हो रहा है। तो ये सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, कोई भी यूरोडोप का, कोई भी पूरे इस इंडिया में, या यूँ कहें कि पूरे प्लेनेट पे कोई भी यूरोडोप का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दिया है। तो मैं अच्छे अच्छा काम कर रहा हूँ, तो यार आपका सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं पहला ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है इरोडोब का, ग्रेविटेशन का, तो ये प्लेनेट ऑफ मास एम मूव अराउंड द सर्कल विद द सन विद वेलोसिटी बी। ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है, ये जो स्पीड है, ऐसे तो वेलोसिटी नहीं कहेंगे, मतलब हाँ जो भी वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है, तो वो अगर ये जो स्पीड है वो 32, ये सन के रिस्पेक्ट में है, ये सन है और ये अपना प्लेनेट है। तो जब मैं हीलियोसेंट्रिक से थियरी की बात करता हूँ, हीलियोसेंट्रिक वो होता है जिसमें सन क्या होता है, स्टेशनरी होता है, बाकी प्लेनेट उसके आसपास घूमते हैं और ये इनके बीच का डिस्टेंस आर है। और इस प्लेनेट के पास अपनी जो है इस वक्त जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो भी है, और उसका मैग्नीट्यूड 33.9 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, एक चक्कर लगने में जो टाइम लगेगा हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों। तो देखो अगर मुझे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, तो बहुत सारे कांस्टेंट मास ऑफ द सन, ठीक है, और वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये सारी वैल्यू मास ऑफ द सन, सन ऑफ अर्थ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सारा कांस्टेंट एक जगह कलेक्ट करके दिया हुआ है। तो बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप वहीं से डेटा करके पुट कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये पहला जो सॉल्व है, देखो अगर सिंपल सी बात है भाई, अगर ये कॉमन सेंस की बात है, अगर ये इस लाइन में मूव कर रहा है, प्लेनेट सर्कल में मूव कर रहा है, तो सेंटर की तरफ नेट रियल फोर्स तो आएगा ना। अगर मैं सन से देखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि सन से देखने पर मुझे कोई ऑब्जर्वर है जो सन से देखता है इस प्लेनेट को, तो वो क्या बोलेगा कि सर्कल में चल रहा है, तो सेंटर की तरफ नेट रियल फोर्स आएगा। तो नेट रियल फोर्स आएगा तो वो बोलेगा सर्कुलर में चल रहा, तो सर्कुलर मोशन होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है सेंटर की तरफ जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशन ही देगा। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द प्लेनेट वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, इनके बीच का डिस्टेंस आर इज इक्वल टू जी मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लेनेट और आर का स्क्वायर। तो यहाँ से एक आर ने एक आर को ख़त्म कर दिया, एक एम ने एक एम को ख़त्म कर दिया, तो जो लीनियर स्पीड भी का स्क्वायर आ गया वो जी एम मास ऑफ द सन और आर के बराबर आ गया। तो इस इक्वेशन को अभी मैं यहीं रहने देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट, टाइम पीरियड निकालने के लिए, अभी यहाँ से टाइम पीरियड दिख नहीं रहा है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ। तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आप रोटेशन में पड़े होंगे, तो आर ओमेगा यहाँ से अब इसको मैं आर ओमेगा इज इक्वल टू 2π t लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं आर की जो वैल्यू है वो vt/2π ऐसे लिख सकता हूँ। और ये वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ, पुट इन फर्स्ट, अगर पहले में मैं पुट कर दूँ, तो जो जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी के टर्म में दिखने लगेगा यार। तो यहाँ से वेलोसिटी भी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जी मास ऑफ द सन और डिवाइडेड बाई ये भी टी टाइम पीरियड, और 2π ऊपर चला गया यार, ठीक है। तो फाइनली 2π अगर ऊपर चला गया, तो बेसिकली अगर तुम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2π कैपिटल जी मास ऑफ द सन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी की पावर q। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दिस प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब जो इरोडोब में है वो जो डेटा है प्यारे बच्चों, वो ऑब्वियसली आपको रखना पड़ेगा, हवा में तो आएगा नहीं, तो वो डेटा मैं कहाँ से रखूँ। तो वो डेटा जो है t 2π की वैल्यू 3.14 और 6.67
इंटू 10 की पावर माइनस 11 और मल्टीप्लाई मास ऑफ द सन, मास ऑफ द सन 1.97 इंटू 10 की पावर 30। गूगल पे देख लेना, कहीं दिया रहेगा, जब एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो कोप्चा जो है ब्रैकेट में कोप्चे में दिया रहेगा, और वो तो 34.9 इंटू 10 की पावर 3 की पावर की स्पीड को मैंने किलोमीटर पर सेकंड में था तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। फाइनली ये पूरा जो ड्रामा है उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक सुंदर सा सलूशन आएगा, और इस सुंदर सलूशन को ही टाइम पीरियड बोलते हैं, और ये जो टाइम पीरियड है 2 to 5 days आ जाता है, और ये टाइम पीरियड अर्थ के रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी अप्लीकेबल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो और मोटिवेटेड रहो, तैयारी करते रहो।